कोरोना वायरस की वजह से देश भर में गम और उदासी का माहौल बना हुआ है। इस महामारी की वजह से न जाने कितने परिवार बेसहारा हुए और न जाने कितने परिवार उजड़ गए, लेकिन इस काल में इंसानियत के लिए उठाया गया एक भी कदम काफी मायने रखता है। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस के ASI ने महामारी में ड्यूटी पर रहने के लिए अपनी बेटी की शादी तक टाल दी। जी हां, ये है दिल्ली पुलिस के ASI राकेश कुमार, जो पिछले कई हफ्तों से स्मशान में ड्यूटी कर रहे हैं। राकेश कुमार दिल्ली के निजामुद्दीन थाने में पोस्टेड है और फिलहाल इनकी ड्यूटी लोधी रोड स्मशान घाट पर है, जहां इन्होंने अब तक 50 से ज्यादा शवों को कांधा दिया है और 1100 से ज्यादा शवों के अंतिम संस्कार में परिजनों की मदद की है। सर, जैसे कोई एक बॉडी गैल, एक बुजुर्ग आया या कोई महिला आया या दो आदमी आए, उनकी बॉडी को उठवा कर अंदर ले जाते हैं जी, लकड़ी ढुवाते हैं उनकी सर, घी सामग्री ला के देते हैं, चिता लगवाते हैं जी, चिता लगवाने के बाद उन्हें अग्नि दी जाती है सर। मैंने करीब करीब 1100 करीब की तो बॉडी जलवा चुका जी, और जो जा फूकी 50-60 बॉडी में जो अलग ले जाकर जो कंधा दबा के फूकी है जी सर। पिछली 13 अप्रैल से स्मशान में ड्यूटी कर रहे ASI राकेश कुमार ने ये भी बताया कि उन्होंने ड्यूटी के लिए अपनी बेटी की शादी तक टाल दी। उनका मानना है कि शादी से ज्यादा जरूरी लोगों की सेवा करना है। मेरी बेटी की शादी 7 तारीख की थी जी, ये आएगी 7/5 की जी। मैंने कैंसिल कर दिया, बाद में करूँगा शादी। लोधी रोड स्मशान घाट पर कोरोना काल में हर दिन कितनी लाशें आ रही है, उसका जवाब देते हुए राकेश कुमार ने कहा जी, हाँ जी, डेली का जी 11, 8, 9, 10 ये ऐसी आती थी जी। और जब से कोरोना महामारी चली, जब से 50, 50, 52, 56, 58, 62 एक दिन 62 हुई थी सर। कोरोना काल में जहां हर तरफ दुख और दर्द का माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसे में दिल्ली पुलिस के जवान ने मुश्किल समय में लोगों की मदद कर एक मिसाल पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।